नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइफ का, जहां दिन भर की बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है आप तक पहुंचाते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र की। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया, वो है कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया, वह भारत के साथ किया जा रहा है। आज ये चक्रव्यूह के बीच 6 लोग हैं। वह 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने खूब जमकर हंगामा किया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। सत्र के दौरान क्या कुछ चर्चा हुई, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे। के बीच बीजेपी के विधायक दल के सभी नेता शक्ति को लेकर के लगातार सरकार पर हमला बोलते रहे और कहा उन्होंने कि पाकुड़ और संथाल परगना में किस प्रकार से तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, और वैसे भी सरकार जो है संज्ञान दे, नहीं तो हम खुद आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। तो दूसरी तरफ उनके बचाव पक्ष में कांग्रेस के तथा जयमन के तमाम विधायक जो है तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो वहीं निशिकांत दिलीप के बयान पर सियासत के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने कहा कि झारखंड को बांटने की एक साजिश की जा रही है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा को लेकर शुरू हुई कांग्रेस द्वारा पदयात्रा आज रुद्रप्रयाग पहुंची। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेमी। उत्तराखंड कांग्रेस की पदयात्रा का आज पांचवा दिन है। रुद्रप्रयाग में आज पदयात्रा ने प्रवेश किया तो तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। खास बात यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो गणेश गोदियाल हो, रंजीत रावत हो, गणेश गोदियाल के साथ साथ करण महारा हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम बड़े नेता इस यात्रा में चल रहे हैं। और खास बात यह भी है कि उनको व्यापक जन समर्थन भी मिल रहा है। 22 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी, आज पांचवा दिन है और उसके बाद 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में यात्रा समाप्त होगी। खास बात यह है कि इस बार इस यात्रा में तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर कांग्रेस उठा रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी को भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होते हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा से बीजेपी में बेचैनी जरूर है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे में 3 अभ्यर्थियों की मौत के बाद तेजी से जांच आगे बढ़ रही है। अब तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है, कितने आगे जांच पहुंच पाई है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय चौहान। ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरह से स्कूल के अंदर 3 बच्चों की मौत हुई, उसमें जब जांच की गई तो कहीं ना कहीं की लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं एमसीडी के 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। आखिरकार इस मौत के जिम्मेदार कौन है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहां पर एक नाला था, नाला हमेशा से वो पानी लीकेज होता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस घटना पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसकी रिपेयरिंग कराई गई। लेकिन अभी फिलहाल में एक बारिश होती, लगातार बारिश के कारण पानी का जल भराव तेज हुआ और बताया जा रहा है कि एक गाड़ी के गुजरने से जो दरवाजा था वो टूटा था, उसके बाद उस बेसमेंट के अंदर करीब 12 से 10 फीट पानी घुसा हुआ था। बता दें कि जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, आखिरकार जो दिल्ली के अंदर बेसमेंट पर बैन है, यानी पूरी तरह से प्रतिबंध है, कोई भी बेसमेंट नहीं खोदा जाएगा, अगर खोदा जाता है तो उसकी पहले परमिशन ली जाती है बाकायदा, पूरी प्रक्रिया की आखिरकार उसकी मजबूताई कितनी है और जिस तरह से वो बेसमेंट बनाया गया, जब पार्किंग के लिए है या किसी और के लिए, लेकिन स्कूल के अंदर बच्चे आते थे बाहर से, पूरे स्टेट से बच्चे आते थे, आईएएस की तैयारी करते थे,
लेकिन ऐसे हादसे के बाद अब पता चला है कि और भी कई ऐसे स्कूल है जहां पर प्लेसमेंट होते थे उनको सील तो कर दिया गया है, लेकिन देखना है कि उनको कार्रवाई पूरी तरह से की जाती है या नहीं की जाती है। लेकिन इस समय राजनीति लगातार गरमाई हुई है, वह आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी फिर से नजर आ रही है। वही बीजेपी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन देखना है कि क्या धरना प्रदर्शन से उन बच्चों की जो जान गई है क्या उन्हें कुछ फायदा होगा, या उनके अलावा जो बच्चे हैं क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर बच्चों की जिंदगी और भविष्य के पास खिलवाड़ क्यों होता है, क्यों नहीं स्थानीय निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो या फिर एमसीडी कर्मचारी हो चाहे दिल्ली पुलिस क्यों ना हो, जब कोई कार्य किया जाता तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, जब कोई बड़ा हादसा होता तो कहीं ना कहीं ये सवाल सामने आता है कि ये हमें नहीं पता था। लेकिन जब हादसे हो जाता तो मालिक को पकड़ा जाता है या फिर कहीं ना कहीं सस्पेंड का मामला सामने आता है। आखिरकार ऐसी घटना है दिल्ली में, कब तक रुकते रहेंगे दिल्ली साजन। वहीं रायबरेली के बाद अब अमेठी में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय यादव। रायबरेली जनपद में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं कि उससे पहले ही अमेठी में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अमेठी सीएमओ ने तत्काल संज्ञान लिया है और तत्काल संज्ञान लेते हुए जो सीएससी अधीक्षक गौरीगंज राजीव जी हैं उनको जांच सौंपी और प्रथम दृष्टया जांच में ये पाया गया कि ये जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी है। वहीं सीएससी अधीक्षक की तरफ से एक प्रार्थना पत्र जो है वो कोतवाली गौरीगंज में दी गई, जिसमें ये बात कही गई कि कहीं ना कहीं ये जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी है और इस पर कठोर कार्रवाई करने का निवेदन भी किया गया है। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जो अमेठी पुलिस है वो इस पूरे रैकेट का किस तरीके से भंडाफोड़ करती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा होने के संकेत अमेठी में देखे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कितना दिन में आता है सामने और कैसे होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। दुनिया भर में प्रसिद्ध आगरा के ताजमहल में एक महिला कावड़ चढ़ाने पहुंच गई, क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी जीशान अहमद। दुनिया के सात अजूबों में शुमार ताजमहल इस वक्त विवादों में चल रहा है। आपको बता दें कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, हिंदूवादी नेताओं ने आगरा के कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें इन्होंने मांग की थी के ताजमहल में जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए, जैसे मुस्लिम समाज के लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं। वहीं ताजनगरी आगरा में आज एक ऐसा ताजमहल से जुड़ा मामला सामने आया है कि एक हिंदूवादी नेत्री के द्वारा ताजमहल पर कांवड़ लेकर पहुंची और वह उसका कहना था कि कांवड़ ताजमहल पर चढ़ाएगी। हालांकि ताजमहल पर सिक्योरिटी कर्मचारियों ने उसको रोका और काफ़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि कर्मचारियों ने उसको ताजमहल में अंदर कांवड़ ले जाने की अनुमति नहीं दी और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, कोई भी धार्मिक कार्य ताजमहल के अंदर नहीं किया जा सकता। हालांकि लगातार इस तरीके की मांग आगरा में हिंदूवादी नेताओं के द्वारा उठती रहती है कि ताजमहल तेजो महल्ले है और सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसी को देखते हुए जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए। वहीं भाजपा नेत्री भी लगातार ताजमहल के पश्चिमी गेट पर कर्मचारियों से अली रही और उसका कहना है कि मुझे ख्वाब में भोले बाबा दिखे हैं और उनका कहना है कि ताजमहल के अंदर कांवड़ लेकर जाऊंगी और वहीं कांवड़ को चढ़ाऊंगी। अब देखने वाली बात होगी क्या कर्मचारी ताजमहल में अंदर जाने की अनुमति देते हैं या नहीं। अपने सहयोगी सोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं बलिया में अवैध वसूली को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापे मारा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खबर पर हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौली चेक पोस्ट पर अवैध ट्रकों की वसूली को लेकर के एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी ने छापेमारी की थी, जिस छापेमारी में दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए थे और 16 जो है दलाल किस्म के लोग भी गिरफ्तार हुए थे। वहीं जो थाना प्रभारी हैं पन्ना लाल, वो उसी दिन से फरार चल रहे थे जहाँ पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और एक हेड कांस्टेबल जो विष्णु यादव है उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और वाराणसी कोर्ट न्यायालय में पेश कर रही है। मैं आपको बता दूँ कि बलिया एसपी का कहना है कि इसमें जो लोग भी होंगे उन सभी की गिरफ्तारी होगी और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो थाना प्रभारी का जो कक्ष था जो सील किया गया था उसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है उस कमरे को खोला गया है और सर्च किया जा रहा है।
मैं आपको बता दूं कि यह नरही थाना जो प्रभारी थे वो यहाँ से उसी दिन से फरार चल रहे थे, जिसको लेकर के पुलिस जो है उनके कई ठिकानों पर कई जगह पर जो है पुलिस दे रही थी और उनको गिरफ्तार कर चुकी है। और गिरफ्तार करने के बाद उनको आज को बरासी जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वहीं पे बलिया एसपी का कहना है कि इसमें जो लोग भी संलिप्त थे उनका नाम जैसे जैसे आ रहा है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उमेश पांडे, इंडिया वॉइस। वहीं मथुरा में महामंडलेश्वर इंद्रदेव द्वारा माता सीता पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में तूल पकड़ लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। श्री राम जी और माता सीता पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले मां मंडलेश्वर इंद्रदेव जी को लेकर तमाम धर्म रक्षा संघ के लोगों में रोष फैल गया है। ब्रजवासियों में उनके द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर रोष फैल गया है और एक सभा का आयोजन कर सभी ने उनके बहिष्कार करने का फैसला लिया है। तमाम महात्मा संतों ने फैसला लेते हुए कहा है कि मंगलवार को उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उनके ऊपर सजा तय की जाएगी। ब्रज में उनको इस तरीके का आकर और वो भी व्यास पीठ पर बैठकर इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी और भाषा का प्रयोग करना, श्री रामलीला जो होती है उसमें श्री राम का स्वरूप और माता देवी सीता का स्वरूप जो बनते हैं उन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये बहुत ही अभद्र तरीके से ब्रजवासियों ने माना है और ब्रजवासियों में इसमें को लेकर खासा रोष दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे संत जो आए दिन कभी राधा रानी जी पर या श्री राम जी पर और या श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने भी इसको लेकर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे संतों को ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। रिपोर्टर्स लाइफ में आगे बात करेंगे यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। रिपोर्टर्स लाइफ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हुआ और सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं या एमएलसी हैं वो विरोध करते हुए नजर आए। कई विधायक जो हैं वो बैनर पोस्टर लेकर पहले ही पहुंचे और वहां पर उन्होंने सरकार पे भ्रष्टाचार, इसके अलावा कानून का कहीं पर पालन ना होना, इसके अलावा बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों को लेकर जो है आवाज उठाते हुए नजर आए। वहीं समाजवादी पार्टी से वाराणसी के एमएलसी जो हैं वो साइकिल के जरिए विधानसभा पहुंचे और एक मकसद था इसके पीछे संदेश देना कि वो महंगाई का विरोध करें। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल में जिस तरीके से पेपर लीक के मामले हुए उससे युवाओं के बीच में खासी नाराजगी है, खासी मायूसी उनके अंदर जो है वो पैदा हुई है, सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। सदन की कार्रवाई जब शुरुआत हुई तो उसमें बाकायदा विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो है सदन के अंदर भी सवाल उठाए गए जिसका सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो है जवाब दिया गया। योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन हुआ और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है और उसी को लेकर कार्य कर रही है। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। क्या कुछ ये बड़ी राहत थी, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि जमानत वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के फैसले उन्होंने कोई दूर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद आपको बता दें कि पिछले दिनों अब तथाकथित धनी मामले के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दी गई थी। इसके बाद करीब 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और हाईकोर्ट में जमानत देने के पहले उन्हें ठोस साबुत देने का करार को लेकर के जमानत दी थी। इसके बाद उन्होंने जमानत के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद ईडी जो है जो साबुत दलील भी थी उसको गलत ठहरा के सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर बरकरार रखा। अब देखना होगा कि अब क्योंकि कानून किस तरफ होता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया।
वहीं अखिलेश यादव पर तंज का चाचा शिवपाल यादव ने लिया है बदला। क्या कुछ है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहा है संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर किए गए तंज का बदला शिवपाल यादव ने ले लिया। शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़बोला मंत्री कह डाला। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम के पास कोई काम न होने की बात कही और यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया है। बता दें कि कल रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। माता प्रसाद पांडे के नाम के ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई थी, जहां एक तरफ बसपा प्रमुख मायावती, सुभाषपा अध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर निषाद संजय निषाद समेत कई नेताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। इन नेताओं ने कहा था कि संविधान बचाने के आड़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट बैंक को ले लिया, लेकिन जब उन्हें ओहदे देने की जिम्मेदारी आई तो माता प्रसाद पांडे को यह ओहदा दे दिया, पीडीओ को दरकिनार कर दिया। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज किया था। कहा था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीओ को दरकिनार किया और साथ ही साथ चाचा शिवपाल यादव के पीठ में छुरा घोंपा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि शिवपाल यादव ने नेता लेकर कई सपने सजोए थे, लेकिन उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। आज अखिलेश यादव के चाचा यानी वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम के पास कोई काम नहीं बचा है, वह अपने विभाग को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, वह दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य को सीएम योगी आदित्यनाथ ने झुंझुना पकड़ाया है। हालांकि शिवपाल यादव के इस बड़े हमले से कहीं न कहीं सियासत भी गर्म हो गई है। कल रविवार को अखिलेश यादव द्वारा माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद ही शिवपाल यादव और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ऐसे में सियासत भी काफी हलचल मचाने वाली हो गई है। सहयोगी शराब के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस लखनऊ। वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। क्या कुछ है मौसम का मिजाज, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। लगातार मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है, जो कि आफत की बारिश बनकर एक बार फिर उत्तराखंड वासियों पर टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और जिससे भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आज भी 5 जिलों के अंदर भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है। और आप देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करने के साथ साथ प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं भूस्खलन के मामले सामने आते हैं और ऐसे में बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। उनसे बचने के लिए पहले से ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा जाता है। उसी का परिणाम है कि इस बार देखा जाए कि जो उत्तराखंड में हादसे हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं। वो यही परिणाम है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले से अलर्ट जारी किया जाता है
और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहता है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, उनको भी निर्देश देते रहते हैं कि किस तरीके से उनको काम करना है और जो टाइम रिस्पॉन्स है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनको कम जरूर किया जाता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही ध्येय रहता है कि वो रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो और जो दुर्घटनाएं हैं उनको बचाया जा सके, यानी कि जनहानि उत्तराखंड के अंदर ना हो, इसको लेकर लगातार कार्य किया जाता है और तमाम प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है। वही अभी देखिएगा कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड वासियों को अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी आगे भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि अगस्त के महीने तक ये मौसम इसी तरीके से बना रहेगा कि तमाम क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी। और इससे कहीं ना कहीं चार धाम यात्रा में चलने वाले यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि जब भी चार धाम यात्रा पर आए तो वो पहले मौसम का पूर्वानुमान जान ले, उसके बाद ही चार धाम यात्रा करें। इंडिया वही यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक हुई। बैठक में क्या कुछ खास हुआ, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्णा मिश्रा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में जुट गई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की आज बैठक लखनऊ में हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से 2 मिनट पहले ही दोनों डिप्टी सीएम बैठक से बाहर निकल गए। अब बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने बैठक में आए हुए लोग तो उनको संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कांवड़ यात्रा चल रही है, शिव भक्तों की आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जो है प्रदेश की जो जनता है उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और जनता के बीच में जा रही है। साथ ही साथ अगर उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि अगर हम इस बैठक में और अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे तो मेरा जो है संबोधन अधूरा रह जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी की ओर बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं बचा है और जिस तरीके से हमने 2017 से लेकर और 2024 तक के सारे चुनाव जीते हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं पर जो है ब्रजेश पाठक ने साफ कहा है, ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के शासन में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम से जो नारा चलता था, आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज नहीं है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से माफिया खत्म होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में पहुंचने से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम बैठक से बाहर निकल जाते हैं, ऐसा कयास ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अंदरूनी कलह थी उसको खत्म होते माना जा रहा था, लेकिन आज इस बैठक के बाद साफ तौर पर ये जो है निकल के आता है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। खबर मेरठ से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदेश का विरोध किया है। क्या कुछ ये आदेश है, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। मेरठ के थाना सिविल लाइन एसएचओ ने एक अनोखी पहल शुरू की है। आपको बता दें थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक कांवड़ यात्रा को लेकर के एक मार्ग बना हुआ है जहां पर शिव भक्तों का रुकना होता है और वहीं एसएचओ ने एक नोटिस जारी किया है और वहां नोटिस में लिखा है कि कुछ भी सामान उनका चोरी होता है तो उसके जिम्मेदार शिविर संचालक होगा। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आला अधिकारी कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, वहीं मेरठ के सिविल लाइन थानेदार अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं। लगातार इस मामले को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया है। देखना भी होगा कि थानेदार की लापरवाही को देखते हुए थानेदार पर क्या कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सफी की रिपोर्ट। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। निचली अदालत का फैसला बिल्कुल पलटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। क्या कुछ पूरी जानकारी है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। दरअसल उन्हें गैंगस्टर के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसको लेकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे। इस पर लंबी सुनवाई हुई, हालांकि राज्य सरकार की तरफ से और कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से भी याचिका दाखिल की गई थी और उनकी सजा को और बढ़ाने की मांग की गई थी।
दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और जो गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को सजा मिली थी निचली अदालत से, उसको रद्द कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अफजाल अंसारी के लिए जो मुश्किलें थी वो अब कहीं ना कहीं दूर हो गई हैं, क्योंकि गैंगस्टर में उन्हें 4 साल की सजा मिली थी, इसकी वजह से उनकी सांसदी भी जा सकती थी। इस पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव भी लड़े थे और फिर चुनाव जीते थे, और जब ये मुकदमा चल रहा था तो बहुत निर्भर करता था इस फैसले पर तक कि आगे उनकी सांसदी रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरह से आज फैसला आया है और निचली अदालत का जो फैसला उसको रद्द कर दिया, इससे अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है और ये कह सकते हैं कि अब अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे। हालांकि राज्य सरकार और कृष्णानंद के परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने के रास्ते खुले हुए हैं, आने वाले दिनों में देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।